ये शपाटर क्या होता है? What is this शपाटर? देखा है आपने कहीं? कब हो? अच्छा कैसा होता है तो बता दिया, पर कौन लोग होते हैं? डेफिनेशन बताए। हाँ क्या लवली माने मुझे लवली माने नहीं पता लेकिन कैसे होते करके दिखा दिए शपाटर। ये बताएं ये कराची में क्या स्लैंग है? अरे भाई सीन ऑन है। ये क्या है? नहीं अरे भाई नहीं, मावा सीन ऑन है। मावा मावा सीन ऑन है, क्या मतलब है इसका? सीन ऑन है, जबरदस्त है, गुड सीन है। खैर और इसमें सीन ऑन जो है वो मेरे ख्याल में हर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोग कराची में बोलते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो भी यही बोलते हैं, जो इतने पैसे वाले नहीं है वो भी यही बोलते हैं, वहाँ सीन ऑन है, वहाँ सीन ऑन है। लेकिन कराची वाले और नहीं, जो पैसे वाले कहते हैं ड्यूट सीन ऑन है। ड्यूट सीन इज ऑन। अच्छा क्या कहते हैं कराची के लोग इस हवाले से, आपको सुनाते जरा। इन्होंने इसको कहते हैं जैसे हम कोई फ्रेंड वगैरह की पार्टी वगैरह करते हैं, वो कहता है जानी आ जा यार सीन ऑन है, चीज को सीन ऑन कहते हैं। सीन ऑन है यार, आज मौसम अच्छा है, घूमने चलते हैं, आज पार्टी पे जाएंगे, सीन ऑन है। मतलब मेरे नज़दीक सीन होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है सामने मंजर आम पे आ जाए, जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, वो सीन ऑन है। कोई भी चीज अनएक्सेप्टेबल हो जी, शो का सीन ऑन है। शो का सीन ऑन है। दिमाग की दही इसका बताए। दिमाग की दही तो डेली बेसिस पे हमारी बन रही होती है। दिमाग की दही बनती है, लस्सी बनती है। कौन बनाते हैं ये दिमाग की दही? बनती कैसी है? मगज क्या कहते हैं, मगज स्मूदी। लेकिन 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 ये जो दिमाग की दही है, इसमें आपने एक वर्ड मुझे कहा, मामा दिमाग की दही मत। मामा दिमाग की दही ना कर, लोग क्या कहते हैं अभी सुनवाते हैं आपको। दिमाग की दही जो बंदा जो है इंसान को पकाता रहता है हमेशा, यानी इसकी दिमाग की वाट लगा देता है 24 घंटे, यानी कि जब देखो इंसान का टाइम बर्बाद करता है और उल्टी सीधी बातें करता है, ये समझ में नहीं आती किसी के, सही ना, तो वो जो है दिमाग की दही उसको बोलते हैं। भाई दिमाग की दही इस चीज़ को कहा जाता है कि सामने वाले की बात आपको पसंद ना आ रही हो और वो मुसलसल आपसे एक ही चीज़ को रिपीट करता जाए, और आप ना सुनना चाह रहे हो और मुसलसल ज़बरदस्ती आपको सुनाता रहे सुनाता रहे, तो आपकी दिमाग की दही हो जाती है। दिमाग की दही इसको कहते हैं जो बिला वजह खामा खां अड़े और क्या नाम है बोले कि यार ये चीज़ मैं जो कह रहा हूँ कि वो सही है और ये सही नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बस यही दही बनाने को कहते हैं। ये देखिए वैसे बाकी कितने लोगों की कितने मज़े की डेफिनेशन है, सही बता रहे हैं। लश हो गया का क्या मतलब है? लश हो गया, लश सीन ऑन है, लश हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बताए जी लोग क्या कह रहे हैं लश हो गया के बारे में? मतलब ये सर बहुत अच्छा, बेहतरीन, और ये कहते हैं यानी कि एक्सीलेंट कह लें, एक्सीलेंट भी हो सकता है, एक्सीलेंट, बेहतरीन, लश, बेहतरीन को कहते हैं। लश का मतलब है जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें, जैसे कोई चीज़ पसंद आ रही है जिसको हम लाइक करते हैं, तो उसको हम लश बोलेंगे। शांट होना, शार्ट हो जा, शार्ट हो, शार्ट इसका मतलब चल लो। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, वही कर दें। सॉरी यार, मतलब बुरा मत मानना यार, आप सब मेरे भाई हो, दिल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन तभी मैं भी कहूँ ऐसे लोग, मैं अक्सर अपनी कोई टीम के लोगों से बात कर रही होती कि हाँ भी जरा जवाब नहीं देते, वो मुंह में ऐसे कुछ कर देते। लोग क्या कहते हैं आपको सुनाती हूँ। शार्ट होने का मतलब ये, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना फोन भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मतलब एकदम भगा देना, इस ये मतलब होता है इसका। जस्ट शार्ट, शार्ट का ये मतलब है कि चार दोस्त बैठे हुए यहाँ के, तो पांचवा दोस्त आ जाता है, वो दिमाग की लस्सी बना रहा होता है, ज़्यादा पकाता है, बोलता है, तो उसका मतलब उसको कहते हैं कि शार्ट शार्ट हो जाए भाई, दिमाग की दही नहीं बना। ये मुझे बताएं मम्मी डैडी, मम्मी डैडी से क्या मुराद है? जो लोग जो मम्मी डैडी इस्तेमाल करते हैं, मम्मी डैडी बर्गर, बर्गर्स, लेकिन क्या मतलब मम्मी डैडी? मतलब क्या है, थोड़ा लोग मुझे नहीं मम्मी डैडी, आर यू मम्मी डैडी, वो जो लोग स्पेशली जी पुल के इस साइड थोड़ी मम्मी डैडी है, पुल के उस साइड वो वाले तो नहीं होता है। अब शहर में पुल भी बहुत सारे हो गए, अंडरपासेस भी हो गए ना, तो होने चाहिए डिफरेंट वो हो गए, बट मम्मी डैडी थोड़ा क्या सॉफ्ट बच्चे हो जाए इस तरह के ना, मामा टाइप ना हो। हां मामा, लोगों की भी जरा राय जान लेते, लोग क्या कहते हैं मम्मी डैडी किसको कहते हैं?
मम्मी डैडी यार वही बच्चे जो जो काम बोलो नहीं करना, मैं चड्डे में ही घूमूंगा, कपड़े भी अम्मी से पूछूंगा पहनने कौन से कपड़े हैं, बाहर जाऊंगा तो मम्मा को बता के जाऊंगा, पापा आएंगे तो बाहर कोई काम करूंगा, ये करना है वो करना है, इस तरह के बच्चे जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, अंदर ही एक मोबाइल लिया हुआ उसी में घुसे में, इधर से उठाया उधर बैठ गए। यार जो आजकल जो बॉय नहीं होते ब्रो यो करते हैं जो, उनको मम्मी डैडी बोलते हैं, पर अगर बच्चे जो होते हैं ना मम्मी डैडी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो रिच फैमिलीज के हिसाब से होते हैं, और फिर वालदैन के उस पर चलते हैं, हर चीज़ हर काम जो होता है उनसे पूछ के करना, उनसे वालदैन से अपने पूछ के करना, जो खाना पीना मोबाइल वगैरह इस तरह की जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब काम जो होते हैं अपने वालदैन से पूछ के करते हैं ज़्यादातर, मम्मी डैडी जो होते हैं वो उस तरह के होते हैं। आजकल हम लड़कियों में कॉन्फिडेंस है, हम लोग हर जगह चले जाते हैं मतलब शॉपिंग करने घूमने फिरने, वो मम्मी डैडी नहीं करती, मम्मी से पूछ के बताऊँगी, बर्थडे हो रही होती है कहीं शादी में जाना तो फ्रेंड्स से नहीं, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी हर चीज़, मम्मी डैडी कैसे बता देती है। अच्छा जी अब दो और वर्ड्स, उछलू किसे कहते हैं? उछलू, उछलू ये मैंने नहीं सुना, आज मेरी जो है डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है, वो भी सोचेगी पंजाबी बता रहा हूँ। अच्छा पंजाबी में? नहीं नहीं पंजाबी में नहीं, और ये कराची में बोला जाता है, उछलू किसे कहते हैं? उछलू स्पीड ब्रेकर को। अच्छा उछलू, उछलू आपने उछलू का उछलू भाई। अच्छा जी एक मामा उछलू बना दिया है जानी। अच्छा जी उछलू भाई स्पीड ब्रेकर को कहते हैं, स्पीड ब्रेकर। अच्छा अच्छा मैं क्या क्या कहा? फिसल पंडी। फिसल पंडा, मैं भी यही कहने वाला था। फिसल पंडी, आप पिंडी पे चले गए। मैं छोटी वाली पे ना, फिसल पंडा थोड़ा सा बड़ा था। वो कहते थे स्लाइड स्लाइड। मैंने कहा ये सिलाइड। हाँ सिलाइड को। ये सिस्टम क्या होता है? मैं सुबह हमारे प्रोग्राम में से पूछा, मैंने कहा जलीस मुझे बताओ, चल ऐसी कोई स्लैंग बताओ कराची की, तुम तो उठते बैठते हो, तुम मुझे ऐसी कोई वर्ड बताओ जो लड़के इस्तेमाल करते हैं। तो उसने सबसे पहले बोला सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम की बहुत सारी इस्तेला चल रही है ना, सिस्टम तो ये था मामा, सिस्टम क्या है? अब वो ये सकता है मैं आपसे आके पूछूं आपके क्या कहते हैं टीम से कि मामा सिस्टम क्या है आज का, इसका सिस्टम क्या होता है, इसका सीन, इसका सीन क्या है। अच्छा लोगों ने सवाल, आप ये देखें कैसी इंटरप्राइजिंग कौम है हमारी, हर चीज में हम लोगों ने बस निकाल लेते हैं हर चीज में जुगाड़। जुगाड़ का क्या मतलब है बताएं? ढूंढ ले। हाँ शॉर्ट। अच्छा लोगों के जरा सवाल, बड़े मजे मजे के सवाल आते हैं लोगों ने किए, जरा दिखाए प्लीज। मुर्तजा वहाब साहब, अगर आप किसी फिल्म के हीरो हो तो आपकी हीरोइन कौन होंगी? अच्छा जब जैसे बोलो ना मुर्तजा वहाब साहब, मैं डर गई, मैंने कहा अल्लाह पता नहीं क्या आ रहा है। अगर आप किसी फिल्म के हीरो हो तो हीरोइन कौन होगी बताएं? अच्छा मतलब मुझे पूछ रहे हैं आप हीरोइन बताएं। मैं इस वक्त सुबह सुबह मॉर्निंग शो में अपनी बेगम के साथ बैठा हूं, तो ऑफ कोर्स मेरी बेगम होगी यार। ये तो ना, लेकिन फिर भी हीरोइन आपकी बहुत पसंद और आपकी कि ये मेरे साथ हीरोइन होनी चाहिए, बता दे। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कौन होगी एक्चुअली पता नहीं, मैं भी शायद देखे माहिरा सजल, मतलब आप मुझे कन्फाइन करी थे पाकिस्तान में। ओ चलिए ठीक है बाहर चलते हैं। ओ माय गॉड चलो बाहर चलते, अंग्रेजी इंग्लिश। अच्छा मैंने आपको कब कहा कि मैं आपको हॉलीवुड लेके जा रहा हूँ? मैं तो अंदाज अपना अपना वाली कैटेगरी का आदमी हूं। ओ माय गॉड, यानी कि ठीक है ठीक है, तो आपके लिए करिश्मा कपूर, रवीना टंडन। ओहो मुझे एक्चुअली ग्रोइंग अप ना करीना कपूर बड़ी पसंद थी। ओहो तो अगर मौका मिलेगा तो प्लीज, तो व्हाई नॉट, करीना तो किसको नहीं पसंद। बस ठीक है कोशिश करते हैं हम जरा भी फिल्म बनाते हैं मुल्क के बेहतर और वसीतर मफाद में। अच्छा जी नेक्स्ट को सवाल से बड़ा मोहब्बत भरा एक सवाल है कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे तीन ख्वाहिशें कौन सी पूरी करवाएंगे? कितना प्यारा सवाल है, खुद ही क्यूट है ये भी। पहली ख्वाहिश तो ये होगी ख्वाहिश खत्म ना हो, ख्वाहिश खत्म ना हो और पूरी होती जाए। ख्वाहिश एक्चुअली यू नो कि कराची वालों को मुतमईन कर सकूं। मैं समझता हूँ कराची वालों को मुतमईन करना इतना आसान काम नहीं है, और मसाइल भी बहुत हैं। तो अगर इस फील्ड में आ गए और इस मनसब पर हैं तो आई थिंक कोशिश ये होगी कि कराची वालों को मुतमईन कर सकें, उनको खुशियाँ दे सकें कि वो खुश रहें, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा कर सकें, उम्मीद दिला सकें। और आखिरी तीसरी ख्वाहिश कुछ ज़ाती तौर पर कर लूँगा कि
कुछ फैमिली के साथ घूमने फिरने चले बच्चों के साथ? थैंक यू थैंक यू, शुक्र है ये भी याद आया. देख लूंगी. ओके कह दिया था फौरन ही करीना कपूर का नाम ले लिया. अच्छा नेक्स्ट सवाल. मुर्तजा वाब साहब, कभी ख्याल आया कि मैं सियासत में ना आया होता? हाय, कभी कभी वो कह रहे ख्याल आया कि सियासत में ना आया होता. क्या सवाल. कभी कभार जब थक जाता है बंदा तो बंदा सोचता है यार कहाँ फंस गया. लेकिन फिर मेरा अपना मानना ये है कि जब रहना इसी शहर में है, ये वाला बन कबाब खाना है, ये वाली बिरयानी खानी है, ये वाली निहारी खानी है, गली मोहल्ले में घूमना है, तो जिस जगह रहना है उस जगह कुछ ना कुछ करें. तो कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के तो आप इन मामलात को हल नहीं कर सकते. तो अगर अपने आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक सियासत से बेहतर तरीका नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें.